हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी कैमरे के ऊपर है जो कि मैंने कैनन 200D मार्क II 2020 में परचेज किया था। सो उसमें मैंने अलग से क्या क्या परचेज किया है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी क्वालिटी कैसी है, चलाने में कैसा है कैमरा, वो सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। चलो चलते हैं जल्दी से कैमरे की तरफ। ये रहा मेरा कैमरा, जो भी सारा मटेरियल है वो मैंने अब यहाँ रख दिया है डेस्क पे। एक एक करके सभी के बारे में बताता जाता हूँ। ये है इसका वारंटी कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ये वारंटी कार्ड है इसका। और ये रहा इसका बिल, जो कि मैंने नेहरू प्लेस से परचेज़ किया था। कितने का परचेज़ किया था? ये परचेज़ किया था मैंने 49,500 का विद लेंस के साथ, जो इसके साथ एक लेंस आया था। इसके साथ क्या आया था? एक तो चार्जर आया था ओरिजिनल, एंड कैनन की बैटरी, ये कितने mAh की है? 1040 mAh की है, ली ऑन की है बैटरी, और 7.2 वोल्टेज, ठीक है। ओके, ये साइड में रख देते हैं। इसके साथ अब एक 16 GB का मेमोरी कार्ड आया था, और साथ ही में ये लेंस आया था 18-55 का लेंस, जो कि इसमें अटैच किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट की थी तो उसी की वजह से ये यूज़ किया हुआ है। अलग से मैंने इसमें क्या परचेज़ किया है वो फ्रेंड, एक ये हुड खरीदा था 150 रुपये का। ये कुछ इसके थोड़े डस्टिंग वस्टिंग के ब्रश एंड ये पंप है, तो ये साथ ही इनका पूरा मटेरियल आया था 150-200 के आसपास का ही आया था। ये जैगुआर की बैटरी अलग से परचेज़ की थी मैंने। ये इसके साथ का चार्जर और केबल थी, क्योंकि ये जो बैटरी है ये ओरिजिनल चार्जर से चार्ज नहीं होती थी, इसलिए ये मुझे बैटरी और विद चार्जर के साथ 1500 रुपये की पड़ी थी, जो कि एक डेढ़ दो घंटे चल जाती है बैटरी इसकी वीडियो के स्टार्टिंग से। अब आते हैं हम अपने कैमरे के ऊपर, जो कि इसमें जो स्ट्रिप लगी है ये भी कैमरे के साथ ही आई थी, और ये मैंने करोल बाग से, जो इसका कवर है रेड कलर का, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो ये मैंने अलग से ख़रीदा था। ये 400 रुपये का पड़ा था। और साथ ही में जो इसका एक साथ में बैग आया था EOS की ब्रांड का, EOS जो इस पर लोगो लगा हुआ है, ये करीबन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट हाँ ये है कि बेस्ट है, मैं अभी तक इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेंज कर लूँगा, पर बहुत ही अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी है इसकी। अब आ जाते हैं हम कैमरे की तरफ। सो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, तो इसमें जो ये स्क्रीन है ये टच है, और ये पूरी 360 राउंड हो सकती है। इससे ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, एक से एक वीडियो शूट कर सकते हो, और एक से एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी क्लिक आती है। एंड जब मैंने ये परचेज़ किया था, जब ही लेटेस्ट में 2020 में ही ये अपडेट हुआ था, अब मतलब आया था मार्केट में, सो मुझे यही कैमरा बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। इससे मैंने कुछ फ़ोटो भी क्लिक की है, जो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं। हाँ तो फ्रेंड, आपने वो फ़ोटो उनकी क्वालिटी देख ली होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप देख के बता देना मुझे, कमेंट करके बता देना। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी।